वाराणसी में सारा जो आज का जुम्मा की नमाज का कार्यक्रम था बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था। केवल दो जगह भीड़भाड़ की सूचना प्राप्त हुई थी। मदनपुरा में जब भीड़भाड़ की सूचना प्राप्त हुई वहाँ पे बाकायदा सब पुलिस के लोग पहुँचे, प्रशासन के लोग पहुँचे और वहाँ भीड़भाड़ को सेटल कराया गया। एक जगह और है बजरडीहा जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहीं का फारूखी नगर है। फारूखी नगर में जानकारी हुई थी कि करीब 2-3 हज़ार लोग हैं जो अलग अलग गलियों में जुलूस निकाल के माध्यम से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पे समझाया गया, काफ़ी लोगों को एक गली में जहाँ एकत्रित हो गए थे उनको बिठाने की कोशिश की गई। एक घंटा लगातार प्रयास चलता रहा। काफ़ी क्षेत्र के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी लोगों को समझाने की कोशिश की गई। बाकायदा लाउड हेलर से अनाउंसमेंट करके बताया गया किसी को भी ज्ञापन देना हो, किसी को भी मेमोरेंडम देना हो वो दे दें। इसके बाद भी भीड़ नहीं मानी। इन्हीं के बीच में फिर मुअज्जिज़ आदमियों के द्वारा घोषणा कराई गई। उन्हीं में से एक घोषणा हुई कि 5 मिनट के बाद अगर सब लोग नहीं हटते हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पे शुरू होगी, इससे अच्छा है कि आप लोग ज्ञापन अपन दे दें। उसी में कुछ पीछे के लोग हैं वो दौड़े और फिर पथराव शुरू हुआ। उसके तुरंत बाद भीड़ ने बिना समय खोए यहाँ पे कैन चार्ज किया। कैन चार्ज होने की वजह से काफ़ी लोग दौड़े भागे। उसी में आप देख रहे हैं कि काफ़ी एरिया फिलहाल खाली हो चुका है। एरिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पुलिस बुला ली गई है। उसी स्टैम्पीड में 4-5 लोग घायल हुए हैं, उनको तुरंत यहाँ पे 6-7 एम्बुलेंस आपके पीछे देख रहे हैं, सबको बुला के हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में सबको इलाज के लिए भेजा गया है। वहाँ पे जिम्मेदार पुलिस हमारे मेडिकल अधिकारियों को भी भेजा गया है और सबका सुचारू रूप से इलाज कराया जाएगा। स्थिति नियंत्रण में है। अब बाकी जिम्मेदार लोग जो हैं जो आज यहाँ पे नहीं थे उनको भी बुलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और बाकायदा अनाउंसमेंट कराई जा रही है। किसी के घर में भी कोई घायल हो या किसी को कोई बात कहनी हो तो सामने आ जाए। किसी प्रकार से पुलिस की तरफ से अब कोई नियंत्रण फिलहाल ऐसा कोई कोर्सिव कंट्रोल नहीं है। सब लोग आए अपनी दिनचर्या चालू करें पर किसी प्रकार का उपद्रव ना करें। हिरासत में भी लिया गया कुछ लोग? हिरासत में नहीं लिया गया क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से भाग चुके हैं। दो लोग जो घायलों को लेने के लिए आए थे उनको बिठाया गया था लेकिन उनको भी छोड़ा जा रहा है। हालांकि सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसके माध्यम से स्टैम्पीड का और यहाँ पे जाम लगाने का और यहाँ पे अशांति फैलाने का, धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमे हैं जो दर्ज किए गए हैं। बाकी सब लोगों को समझाया जा रहा है। अभी कुछ लोग ज्ञात किए जा रहे हैं क्योंकि सारी की सारी वीडियो फुटेज सामने हैं। काफ़ी मीडिया के बंधु भी यहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने भी काफ़ी रिकॉर्डिंग हुई है। मीडिया के लोगों को भी समझाने का मौका मिला था, उसके बाद नहीं समझे थे। अब फिलहाल जो है हमारी यही कोशिश है कि यहाँ स्थिति नॉर्मल हो, सब लोगों को समझाया जा रहा है और जो घायल है उनका इलाज प्रॉपरली हो जाए। पथराव में क्या पुलिस वालों को भी चोट लगी है? पथराव में इक्का दुक्का चोट लगी है, जैसे कुछ हम लोगों को भी हाथ वाथ में चोट आई है लेकिन वो कोई ऐसी मेजर चोट नहीं है। कोई ऐसा गंभीर रूप से घायल नहीं है कि जिसको हम लोग घायल करके हॉस्पिटल में उसका इलाज कराने की आवश्यकता।